क्या आप जानते हैं कि जब कभी कोई बीमार होता है तो उसका इलाज होता है और वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन इस संसार में कुछ बीमारियां ऐसी लाइलाज हो जाती हैं कि उसमें इंसान को ठीक होने की बजाय अपनी जान या हाथ पैरों या शरीर पर भयंकर संक्रमण होने का सामना करना पड़ता है। परंतु फिर भी वो लोग भगवान पर भरोसा करके कुछ ऐसे जीवन जीते हैं कि पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ खास व्यक्तियों की पहचान कराएंगे जिन्होंने अपने हाथ पैर गवा कर भी ऐसी कामयाबी हासिल की कि कोई ठीक ठाक व्यक्ति भी नहीं कर सकता। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्राइन डुसूजा, जो कि इतनी दुर्लभ त्वचा की स्थिति वाली महिला है जिन्हें सीधे धूप के संपर्क में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि 3 साल की उम्र में क्राइन डिसूजा को जेरोडर्मा पिगमेटोसम की भयंकर बीमारी ने ग्रस्त कर लिया, जिसका अर्थ यह है कि हर बार जब भी वह पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आती हैं, ये सूरज की किरणों के संपर्क में आती हैं, तो उसकी त्वचा पर मेलेनोमा के संकुचन का खतरा बढ़ जाता है। 29 साल की क्राइन को इनमें से हर एक घाव को हटाने के लिए कम से कम 130 से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, जिसमें उसके निचले होठ और उसकी नाक के हिस्से को निकालना शामिल है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जब वह पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आती हैं, तो त्वचा पर चोट लगती है। एडमिनसन एक व्यक्ति है जिन्हें इनकी सुंदरता ना दिखते हुए इनके नेचर और स्वभाव को पसंद किया उन्होंने। क्राइन से मुलाकात करने के बाद उसकी त्वचा पर निशान और उसकी सुंदरता को ना अखाड़ते हुए उनसे प्यार हो गया उन्हें। हाल ही में उनकी सगाई भी हो चुकी है। क्या तुमने कभी प्यार महसूस किया है? क्या तुमने कभी एक महान प्यार छोड़ने के बारे में सोचा है? क्या तुमने कभी उपस्थिति के बारे में परवाह की है और भावना के बारे में चिंता करना भूल गए? क्राइन और एडमिल्सन की कहानी को महसूस करने और जीने के लिए सच्चे दिल की आवश्यकता है। ये एक प्रेम कहानी सुंदर और प्रेरणा से भरपूर है, जो आपके जीवन को सबसे सुंदर एहसास देगी। क्यों दोस्तों, कैसा लगा ये जानकर? अगर आपको अच्छा लगे तो इसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या आपको भी ऐसा प्यार मिला है, क्या आप ऐसे प्यार की तलाश कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 2, यूट्यूब पर 2,40,000 से भी अधिक व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को प्राप्त करके और इंस्टाग्राम पर 1,57,000 से अधिक फॉलोवर्स के साथ कैथलीन डोब्रो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। देश भर में मेकअप प्रेमियों का ध्यान आकर्षित करने वाली प्रामाणिक सामग्री तैयार करके डोब्रो ने शौकीन प्रशंसकों या दोस्तों के लिए एक समुदाय की स्थापना की है। एक बहादुर ब्यूटी ब्लॉगर ने बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से अपना रास्ता लड़ा, जिसमें उसकी त्वचा यानी उसकी अपनी खुद की त्वचा 57% उसका हिस्सा उसको खोना पड़ा। इस बीमारी में सभी 4 अंगों को विच्छिन्न करना पड़ा, अर्थात उसे अपने चारों हाथ और दोनों हाथ और दो पैरों को कटवाना पड़ा। दक्षिण की कैलिफोर्निया की 25 साल की कैथलीन डोब्रो 18 साल की एक फिट सक्रिय थी महिला थी, जब उसने एक भयानक बीमारी को पकड़ा जिसने उसे 6 महीने तक अस्पताल में भर्ती रखा, जहां उसकी 22 सर्जरियां हुई थी। इस भयानक संघर्ष के दौरान से गुजरने के बाद कैथलीन ने अपनी ऊर्जा को कुछ ऐसी चीजों में लगाया कि आज वो एक ब्यूटी ब्लॉगर है। कैथलीन एक सफल ब्यूटी ब्लॉगर और विकलांगताओं के अधिकारों की वकील भी हैं, वकालत भी करती हैं, जो यूट्यूब पर 16 मिलियन व्यूज और 2,40,000 से अधिक सब्सक्राइबर प्राप्त कर चुकी है और इंस्टाग्राम पर भी लगभग 1,57,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। नंबर 3, क्या आप एक ऐसी युवा महिला को जानते हैं जिसे किसी अजनबी ने बताया हो कि वे ऐसी दिखती हैं जैसे उसे गोरिल्ला द्वारा शासित किया गया हो, क्योंकि उसकी दुर्लभ त्वचा के फटने की स्थिति बहुत भयानक थी। RDB या EB नामक बीमारी से ग्रस्त है, जिसका अर्थ है कि उसकी त्वचा के खिलाफ किसी भी घर्षण से दर्दनाक फफोले और घाव हो जाते हैं। लूसी की स्थिति का मतलब है कि उसे अपने दांतों को खाते समय भी बहुत सावधानी से ध्यान रखना पड़ता है, जिससे निशान और उत्तक बने जाते हैं जहां भोजन उसके गले में घुस जाता है। उसके सबसे हाल के ऑपरेशन में उसके पैर से त्वचा निकाली थी, जो उसके हाथ पर बहुत ज्यादा निशान वाले टिश्यूज के कारण होने वाले इनिंग माइटिंग को हल करने के लिए तैयार की गई थी, जिसने उसके दाहिने हाथ को भी बेकार कर दिया था। बड़े होकर हालांकि अपने शरीर को वो छिपा लेती हैं और विकलांगता एडवोकेट और एक लेखक और एक छात्र होने के अलावा वे अपनी स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मॉडलिंग भी करती हैं और दिखाती हैं
कि विकलांगता को सुंदरता के रास्ते में नहीं खड़ा होना चाहिए, यानी खड़ा नहीं होने देना चाहिए। नंबर 4, एक महिला जो व्हील चेयर का उपयोग करती है, उसने फैशन की दुनिया और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों में अधिक विविधता को प्रोत्साहित करने की उम्मीद में मॉडलिंग शुरू कर दी है। अपनी व्हील चेयर को अपना सबसे अच्छा दोस्त और सबसे खराब दुश्मन दोनों के रूप में बताते हुए कर्नेसिया पैटर्न ने एक का उपयोग किया, क्योंकि वह सिर्फ 3 साल की थी जहां उनका जन्म हुआ अलबामा में। 28 वर्ष से उस गांव में, उस शहर में एक जन्मजात जन्म दोष है जहां रीढ़ और रीढ़ की हड्डी ठीक से विकसित नहीं होती है। कर्नेसिया के मामले में वह कमर के नीचे की ओर से लकवाग्रस्त है, लेकिन उसने अपनी विकलांगता को कुछ भी करने से नहीं रोका। MBA की पढ़ाई कर रही है, नेल सैलून में काम कर रही है और जिम में मेहनत भी कर रही है। कर्नेस ने अब कैटवॉक की ओर रुख किया, कई इवेंट्स में मॉडलिंग भी की है। नंबर 5, एक युवा मॉडल गंभीर त्वचा की स्थिति को गले लगाकर शरीर की सकारात्मकता को एक संदेश फैला रहा है या फैला रही है कि एक बिंदु पर उसके शरीर में उसके पूरे शरीर का 90% हिस्सा दर्दनाक पपड़ी से ढका हुआ है। स्पेन के गुआडिक्स की सोलिया मार्टिनेज को 16 साल की उम्र में सोरायसिस का पता चला, यानी सोरायसिस की बीमारी हुई, जब उसने अपने पेट पर छोटे लाल डॉट्स की खोज की जो अंततः उसके चेहरे के हिस्सों सहित हर जगह फैल गए थे। लेकिन अपनी खामियों को दूर करने या फोटोशॉपिंग करने के बजाय सेलिया ने इंस्टाग्राम पर 10,000 से अधिक फॉलोअर्स का ऑनलाइन पीछा करते हुए आत्मविश्वास के साथ अपने कुछ बुरे प्रकोपों को प्रदर्शित किया है, जिससे दूसरों को अपनी त्वचा और शारीरिक रोग में आराम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया, और पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और अपने दोस्तों को ये वीडियो लाइक भी करें और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। फिर मिलते हैं नई और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।